विरोधी एक संगठन है जो कार्य रूप देना चाहता है क्षत्रिय युवक संघ के देवी सिंह जी महार साहब की विचार। क्षत्रिय वीर ज्योति को सन 2018 और 19 का चुनाव लड़ने के लिए एक राजनीतिक दल की आवश्यकता थी। इस पर जगह जगह अलग अलग प्रदेशों में मंथन शिविरों में और चिंतन में इस बात की। हमारे क्षत्रिय वीर ज्योति के महाराजी गण जो उपस्थित हैं मंच पर, आदरणीय डॉक्टर प्रहलाद सिंह जी शिखरवार साहब, भाई वेद पाल सिंह जी तंवर, रतन सिंह जी भगतपुरा, ऐसे अनेकों महाराजी गण, नंद सिंह जी जाला साहब, पट्टू सिंह जी बसेठ, कुंवर भवानी सिंह जी, हम लोगों ने एक विचार किया था कि हमें इस व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था को काटने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही इनके इस गंदे राजनीतिक समर में भी हमें उतरना। ओरानी साहब ने जैसा पहले ही कहा था कि लोग मत इसलिए देने नहीं जाते क्योंकि वो राजनीतिक गंदगी से ऊब चुके हैं, वो इसलिए ऊब चुके हैं कि इससे बुरा कोई पैसा नहीं है। हमें राजनीति करनी है लेकिन धर्मानुसार, मर्यादा अनुसार, नैतिकता अनुसार, और सही कहूं उच्छा। आज यह छूत शब्द बन गया है कि लोग ये कहें कि मैं क्षत्रिय हूं तो लोगों को लगता है कि नहीं, रुको रुको वोट घट जाएंगे। वैज्ञानिकता की बात हुई है और मैं आपसे भी ये बात कहता हूं, वैज्ञानिक तरीके से हमने ये तरीका खोजा है कि आप कहें कि मैं क्षत्रिय हूं, इसी नाते लोग आपको वोट देंगे कि यार आपको तो वोट देना पड़ेगा, आप तो क्षत्रिय। ये सब गलत बात है कि किसी तलवार के बल पर राज्य स्थापित किया हो। इस भारत में कभी भी राज्य तलवार के बल पर स्थापित नहीं हुआ। यदि राज्य तलवार के बल पर स्थापित होता तो पितामह भीष्म जिसके साथ हो, दानवीर कर्ण जिसके साथ हो, वो दुर्योधन इस भारत का सम्राट होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय भी वैज्ञानिक तरीके खोजे गए, दिव्यास्त्रों की खोज हुई और उन दिव्यास्त्रों की खोज तत्कालीन सबसे बड़े वैज्ञानिकों के पास, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके पास थी और वासुदेव कृष्ण ने उन्हें वहां भी जाना। तो हमने भी एक वैज्ञानिक तरीका खोजा है कि किस प्रकार से इस राजनीतिक समर में लोग हमें, हमारी विचारधारा को माने। मित्रों, कौन कहता है कि हमारी विचारधारा मान्य नहीं है? अरे विचारधारा मान्य नहीं होती तो जो वर्तमान राजा महाराजा है इनमें कौन सा गुण है कि लोग इनको वोट दे देते? कोई गुण नहीं है। जितने संसार के गुण है वो सभी इनके पास है और ये पिटे हुए हैं, हारे हुए, मरे हुए। यदि ये पिटे ना हुए होते तो कांग्रेस जैसी निकट, बीजेपी जैसी पंडवादी पार्टी ये क्या इस देश में बनती? आदरणीय बजरंग सिंह जी तंवर साहब ने जो कहा 1942 में इनको राज सौंपा था, राज्य के काबिल। छत्राणी जी कोप से जन्म लेने मात्र से कोई क्षत्रिय नहीं बन जाता। मेयो कॉलेज में जो पढ़कर आता है वो कब क्षत्रिय रह सकता है, बताइए आप? मेयो कॉलेज एग्जाम्पल था लोगों को संस्कारहीन बना। ठीक इसी तरीके से क्षत्रिय वीर ज्योति ने फैसला किया है कि उल्टा गुरुकुल बनाए कि जो फिर से लोगों को संस्कार। मेयो कॉलेज ने जैसे संस्कारहीन किया, क्षत्रिय वीर ज्योति के संस्कार भारती गुरुकुल उसको संस्कार। परसों के दिन हमारे एक महारथी सचिन सिंह जी के साथ डॉक्टर वीपी सिंह जी से लंबी बात हुई। उन्होंने कहा तो सब अभी तो कल्पना है। मैंने कहा कल्पना जो करते हैं वही तो हकीकत में बदलते हैं। हो सकता है रात का देखा हुआ सपना सच ना होता हो, लेकिन दिन में देखा हुआ सपना सच हो। सपना देखने की कोई मत करें आप, पर मैंने कोई ऐसा बड़ा सपना नहीं देखा। मुझे तो आदेश हुआ था वासुदेव कृष्ण का कि इस धरती पर जाओ और बंधुओं छात्र धर्म की पुनर्स्थापना से बड़ा तो कोई पुण्य नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई तपस्या नहीं। प्रतीत बैठे हैं राजनीति महोदय, उन्होंने स्वयं आकर मुझे बताया था। और इन्होंने ही नहीं, अनेकों संत आए जिन्होंने कहा है कि छात्र धर्म की पुनर्स्थापना गीता का आदेश है। जो कृष्ण का पुजारी है, जो महादेव का पुजारी है, जो दुर्गा का पुजारी है, वो छात्र धर्म की पुनर्स्थापना में से कैसे दूर हट सकता है? महाभारत का युद्ध छात्र धर्म की पुनर्स्थापना के लिए लड़ा गया। महाभारत का युद्ध इस बात के लिए लड़ा गया था कि धर्म रहेगा कि अधर्म रहेगा, न्याय रहेगा कि अन्याय रहेगा। तो दोस्तों, न्याय को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए मारने पड़ते हैं भीष, मारना पड़ता है दानवीर कर्ण, करने पड़ते हैं कुछ छोटे मोटे अनैतिक और अधार्मिक काम, जयद्रथ का सिर काटना पड़ता है, कर्ण को निहत्थे को मारना पड़ता है। आप भी तैयार, आपको भी मारना पड़ेगा इन जयद्रथों को, इन कर्णों को मारना पड़ेगा।
भी सर सैया पर लेना। जैसे अभी जिक्र हुआ था आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी का, कोई डाउट नहीं है वो बहुत अच्छे आदमी है, कोई डाउट नहीं है वो बहुत अच्छे क्षत्रिय है, लेकिन है तो भीष, रक्षा में तो वो दुर्योधन की में खड़े हैं, तो सर सैया पर तो बंधु लिटाना पड़ेगा, चाहे मैं अपने शिखंडी को खड़ा करके लिटाऊं, लेकिन उन्हें सर सैया पर लेटा और इसका आगाज तो हमने कर दिया। अच्छे अच्छों की तुमड़ियां हिलने लगी है, अलवर शहर से ठाकुर बच्चू सिंह बचे और बांसु जहां सबसे पहले हमने शुरुआत की थी, और मैं ये आपसे वायदा कर रहा हूं, बांसु दिल्ली जाने का पहला रास्ता बनेगा। बांसु से भाई रमेश सिंह से साथ चुनाव जीतेंगे। अभी बात कर रहे थे लोग राजनेता ऐसा बिगड़ जाते हैं, क्या बिगड़ जाते हैं, उनको जहां उठा दिया जाता है उठ जाते हैं, जहां बैठा दिया जाता है वहां बैठ जाते हैं, एक शब्द बोलना नहीं जानते, लेकिन समाज का आदेश हुआ है तो सिर माथे लगा दिया है। आइए भाई रमेश सिंह से कहा खड़ा